दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ स्टार में। आइए सीखते हैं वर्ग। दोस्तों पिछली वीडियो में दो संख्याओं के वर्गों के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी और आज मैं आपको तीन अंकों की संख्या के लिए ट्रिक बताता हूँ। तो पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था, जैसे हमारे पास कोई संख्या दो अंकों की है और अगर इसका हम वर्ग निकालते हैं तो किस प्रकार से निकालते हैं वो मैंने आपको बताया था। पहले इसका वर्ग करते हैं, फिर इन सब इसका, इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका वर्ग निकालते हैं। तो ये चार का वर्ग कितना होता है? 16, और एक को हासिल के रूप में लिख दिया। और अब इसका, इसका और इसका गुणा करते हैं। जब इसका गुणा करते हैं तो 4 × 8, 8 × 16, 16 × 1 = 17, 1 फिर से हासिल। अब इसका वर्ग करेंगे 4 × 1 = 5। तो इस प्रकार से हम दो अंकों की कोई भी संख्या होती है इसका हम वर्ग निकाल लेते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो आज मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि तीन अंकों की जो संख्या होती है उसका वर्ग किस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से निकालते हैं। तो देखिए, हमने कोई संख्या ली, जैसे मान के चलते हैं 234 कोई संख्या ले ली और हमें इसका स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है वो मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये पहले 4 है, इसका हमें वर्ग लेना है। तो 4 का वर्ग होता है 16 और 1 को हासिल के रूप में लिख दिया जाता है। सबसे पहले एक अक्षर का लास्ट वाले का वर्ग ले लिया। अब इसके बाद इसका इस संख्या के साथ और 2 का मल्टीप्लाई करना है, 3 का 4 में, यानी इन दोनों संख्याओं का करना है और इसका करना है। तो 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 14, और 1 हासिल को लिया तो कितना हुआ? 15 हुआ, और जो 1 है वो हमारा हासिल के रूप में लिख दिया। अब क्या करना है, इन दोनों को ले लिया, अब हमें इसका इन दोनों को लेना है, दोनों बीच की संख्या छोड़ देनी है और दोनों की जो दोनों तरफ की जो संख्या है उनको लेना है। तो इनका दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 × 2 = 8 और इसके साथ गुणा किया 16, और इसमें क्या किया, इसमें इस जो बीच की संख्या है इसका स्क्वायर जोड़ दिया। तो 16 × 9 = 25, 25 × 1 = 26, 26 × 6, और 2 को हासिल के रूप में लिख दिया। अब क्या हुआ, अब ये वाली दोनों को लेना है, 3 × 2 = 6, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, और 2 को यहाँ से लिया तो कितना हुआ? 14, और 1 को हासिल के रूप में लिख दिया। अब केवल इस संख्या को लेना है, इसका वर्ग किया 4 और 1 ये हुआ 5। तो इस प्रकार से ये तीन संख्या, जो तीन अंकों की संख्या है, इससे हमने जो है वर्ग निकाल लिया, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो सबसे पहले हमें ये संख्या लेनी है, उसके बाद ये दोनों संख्या लेनी है, उसके बाद ये दोनों संख्या लेनी है और इसमें इसका वर्ग जोड़ना है, उसके बाद ये दोनों संख्या लेनी है, उसके बाद एक ये सिंगल संख्या लेनी है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं जिससे थोड़ा सा और क्लियर होगा। मान के चलते हैं हम कोई संख्या लेते हैं 6, 2, 3, और इसका हमें निकालना है स्क्वायर। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, कोई भी हासिल नहीं। अब इन दोनों संख्याओं को लेंगे, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 को 2 लिखेंगे और 1 को हासिल में लिख देंगे। हमने ये दोनों अक्षर ले लिए, अब हमें इधर का और इधर का लेना है, 6 × 3 = 18, 18 × 2 = 36, और इसका वर्ग, इसका वर्ग होता है 4, तो 36 × 4 = 40, और 1 को यहाँ से ले लिया तो 41, और हासिल में हमें लगाना है 4। अब हमें इधर वाली दोनों संख्या लेनी है, 6 × 2 = 12 × 2 = 24, 24 × 4 = 28, और 2 को हमने यहाँ पे हासिल के रूप में लिख दिया है। अब इसका वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग करेंगे तो 36, और 2 यहां से लेंगे तो 38। तो मैंने ये आपके सामने तीन अंकों की जो संख्या है
उसका वर्ग निकाला है, ना हमने मल्टीप्लाई किया है। जिस प्रकार से दो संख्या ऊपर एक संख्या लिखते हैं, एक संख्या नीचे लिखते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं, तो ये प्रक्रिया बहुत पुरानी है। अब थोड़ा ट्रिक के माध्यम से हमें वर्ग निकालना होता है, तो इससे समय की बचत होती है। जब आप इसे दो चार बार, पाँच छः बार जब करोगे तो आपको जो है ये ट्रिक बहुत अच्छी लगेगी, और अच्छी लगने के साथ साथ ये बहुत समय की बचत करेगी। चलिए और एक उदाहरण ले लेते हैं, कोई से एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे 5, 6, 2, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो देखिए, 2 का वर्ग करेंगे तो आएगा 4। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को लेना है। तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 की 4, 2 को वहां से लिया। अब हमें क्या है, दोनों इधर उधर के लेने हैं। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 ये हुआ, और इसका वर्ग लेना है 36। 36 और 20 56, और 2 को इसको ले लिया तो कितना हुआ, 58। 58 की 8 लिख दिया, और 5 को वहां से लिख दिया। अब इधर वाले दोनों लेने हैं, 5 6 का 30, ये तो लेना ही है। 5 6 का 30, 30 दूनी 60, 60 और 5 65। अब हमें असल में 6 लिखना है। अब इसका वर्ग करेंगे 25, 25 और 6 31। दोस्तों बहुत मजेदार ट्रिक है ये, 3 अंकों की संख्या का वर्ग। अगर आप ऐसे 2 4 बार अन्य उदाहरण लेके करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। यदि फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस पर और वीडियो बनाऊंगा। तो यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, आपकी समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। धन्यवाद दोस्तों।